दोस्तों सभी रेल यात्रियों के लिए जरूरी अपडेट आ रहा है। 5 बड़े अपडेट और नए नियम जो इंडियन रेलवे की तरफ से लागू किए गए हाल ही में, आप सभी को जरूर जान लेना चाहिए अगली बार ट्रेन में सफर करने से पहले। देखिए, पहली तो बड़ी खबर मैंने आपको आज टुडे ब्रेकिंग न्यूज में भी बताई थी, लेकिन इन नियमों के साथ कंप्लेंस में एक बार फिर से बता देता हूं। अब हवाई यात्रा की तरह ट्रेन में एक्स्ट्रा बैगेज का आपको चार्ज देना पड़ेगा। रेलवे की तरफ से इस तरह के नए नियम लागू किए गए, यानी कि दोस्तों रेलवे के जो अब फिक्स्ड नियम है कि भाई आप एक रेल यात्री जो है फलाने टिकट पर इतने वजन वाला बैग ले जा सकता है, उससे ज्यादा का अगर बैग ले जाते हो ना तो आपको एक्स्ट्रा लगेज पर हवाई जहाज में जैसे यात्रा करते हैं और एक्स्ट्रा वजन होता है तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता ना, वैसे ही इंडियन रेलवे में भी देना पड़ेगा। यात्रा के दौरान ज्यादा सामान ले जाना अब यात्रियों को महंगा पड़ेगा। देखिए कितना चार्ज लगेगा, तो इस पर रेलवे का कहना कि यदि आप एसी फर्स्ट क्लास टिकट में सफर कर रहे हैं तो आप 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में ले जा सकते हैं अपने साथ। इसी तरह से अगर आप एसी 2 टीयर के लिए सफर कर रहे हैं तो आप 50 किलो वाला बैग अपने साथ ले जा सकते हैं। एसी 3 टीयर स्लीपर एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक का बैग वजन ले जाना सामान ले जाना अनुमति है इंडियन रेलवे की तरफ से। सेकंड क्लास में 25 किलोग्राम सामान की इजाजत है। उसके बाद जितना आपका सामान का वजन ज्यादा होगा उसके हिसाब से आपको न्यूनतम ₹30 तो चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अच्छा, इसमें यह बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रेल सफर करने दौरान अपने सामान को इंडियन रेलवे को अतिरिक्त बैग को चेकअप नहीं करवाते हो तब आप पकड़े जाते हो ना, तो आपको सामान्य दर से 6 गुना ज्यादा चार्ज जुर्माने के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पहला नया नियम तो इंडियन रेलवे की तरफ से ये लागू कर दिया गया है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, ट्रेन में अब चैन से सो जाइए। रेलवे ने स्टेशन आने से पहले यात्रियों को जगाने की जिम्मेदारी ले ली है। दरअसल इंडियन रेलवे की तरफ से वेकअप अलार्म डेस्टिनेशन अलर्ट की सुविधा शुरू की गई है। अब ये सुविधा क्या है, मान लीजिए आपको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर या 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर कहीं रेलवे स्टेशन पर उतरना है, ठीक है ना, तो अक्सर हम क्या करते हैं सफर करने के दौरान सो जाते हैं, झपकी ले लेते हैं, और क्योंकि कई जगहों पर स्टॉपेज पर आपको बताऊंगा स्टेशन पर रेल मात्र 2-3 मिनट ही रुकती है, तो ऐसे में हमें डर भी रहता है कि कहीं हमें नींद आई ना रह जाए और उठाएगा कौन अगर हमारा स्टेशन आ गया वगैरह वगैरह, तो राइट। तो इस समस्या के लिए अब रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू कर दी है अलर्ट वेकअप अलार्म के नाम से, डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म। इस सुविधा में होगा ये कि आपको तय स्टेशन आने से पहले ही रेलवे आपको जगा देगा। अब इस सुविधा का अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सिंपली रेल में सफर करने से शुरू करने से पहले आपको 139 पर कॉल करना है और आपको डेस्टिनेशन अलर्ट के लिए बुकअप कर लेना है, क्योंकि आपने जिस किसी भी रेलवे स्टेशन का डेस्टिनेशन का टिकट लिया हुआ उस लोकेशन के हिसाब से 139 नंबर पर कॉल करके आप कॉल या मैसेज के जरिए अपनी भाषा का चयन करें। उसके बाद डेस्टिनेशन अलर्ट के लिए पहले आपको 7 नंबर फिर आपको 2 नंबर दबाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, फिर आपसे 10 अंकों का PNR नंबर पूछा जाएगा जो आपके टिकट में है, और इस तरह से गंतव्य स्थान या गंतव्य स्टेशन आने से पहले ही आपको मोबाइल पर एक कॉल आ जाएगी, ठीक है ना, इंडियन रेलवे की तरफ से। जिस तरह से अपन अलार्म भरते हैं उस तरह से आपको कॉल आ जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर जैसे आपका स्टेशन आने वाला उससे कुछ मिनट पहले, तो आप आराम से नींद से उठ जाइए, चैन से सफर कीजिए, है ना। तो दूसरा अपडेट रेलवे की तरफ से ये लागू किया गया। तीसरी बड़ी खबर देखिए, इंडियन रेलवे के यात्रियों के लिए एक और गजब सर्विस शुरू की जा रही है, दूसरा पोर्ट होटल जल्द ओपन होगा। दरअसल रेलवे तेजी से बदलाव कर रहा और इसी तरह से रेलवे की तरफ से ये एक और नई सुविधा शुरू की गई है। देखिए आप, इस महीने मुंबई के CSMT में पोर्ट होटल सेवाएं शुरू करने जा रहा रेलवे। वैसे तो इससे पहले 2021 में भी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर पोर्ट होटल खोल चुका है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और अलग अलग स्टेशनों पर रेलवे पोर्ट होटल खोल रहा है, जिसमें मतलब आप रेलवे स्टेशन पर अगर नाइट में ठहरते हो ना तो आपको बिल्कुल लग्जरी फैसिलिटी मिलेगी, रेलवे की ही होटलें होगी जहां पर ठहरने के लिए। इसके लिए रेलवे आपसे चार्जेस वगैरह भी लेगा जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हाल ही में कुछ समय पहले इंडियन रेलवे की तरफ से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में भी IRCTC की ओर से बदलाव किए गए, और वो बदलाव के मुताबिक दोस्तों अब अगर आप ऑनलाइन रेल में टिकट बुक करते हो ना IRCTC के वेबसाइट से या IRCTC के ऐप से या आप पेटीएम वगैरह या और किसी भी टिकट बुकिंग सर्विस ऐप के जरिए भी रेलवे का टिकट बुक करोगे ना तो भी आपको इस नियम का पालन करना जरूरी होगा। चाहे आप बुक माई शो, मेक माई ट्रिप वगैरह और भी कोई भी टिकट बुकिंग से कर रहे हो आप रेड बस वगैरह से, तो भी आपको आपके IRCTC के जो अकाउंट है उससे ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, ठीक है ना। इसके लिए सिंपली कुछ स्टेप्स हैं, आप IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर जाएं जहां पर आपको वेरिफिकेशन ऑप्शन विंडो मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है OTP के जरिए और एक आपको ईमेल ID वेरिफिकेशन करवाना है। उसके बाद आप आराम से ऑनलाइन ही चाहे जितने टिकट बुक कर पाएंगे रेलवे के नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, आप घर बैठे ही आपको सूचना मिल जाएगी कि किस ट्रेन में आपको बेडरोल मिलेगा। IRCTC ने इस तरह की सूचनाओं को भी ऑनलाइन पब्लिक कर दिया। बेडरोल बोले तो दोस्तों आप जिस रेल में सफर करने जा रहे हो वहां पर ट्रेन में सफर के दौरान आपको चादर, कंबल, तौलिया, तकिया वगैरह ये सुविधा मिलेगी या नहीं स्लीपर कोच में, है ना। इसका भी डेटा अब आपको ऑनलाइन ही IRCTC की वेबसाइट के जरिए पता चल जाएगा, क्योंकि रेलवे ने उन सभी ट्रेनों की लिस्ट और उन ट्रेनों के नंबर जारी कर दिए हैं जिन ट्रेनों में बेडरोल की फैसिलिटीज अवेलेबल है। बस आपको वहां पर आपका ट्रेन नंबर या ट्रेन का नाम दर्ज करना होगा और आपको लिस्ट में पता चल जाएगा कि आपको रेल में सफर करने दौरान स्लीपर कोच में आपको बेडरोल यानी कि चादर, कंबल, तौलिया, तकिया वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये चीजें आपको पता चल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपको
एक और अपडेट बता दूं, हाल ही में दोस्तों आपको पता होगा हमारे देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं, तो इस पर भी इंडियन रेलवे की तरफ से वापस सख्त चेतावनी जारी करते हुए रेल यात्रियों के लिए अभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाले कोरोना प्रोटोकॉल जितने भी हैं उनको वापस लागू करने का निर्णय लिया। भारत में कहीं कोरोना की चौथी लहर ना जाए इसलिए रेलवे पहले से अलर्ट हो चुका और हाल ही में कुछ दिनों पहले रेलवे ने वापस ये नियम लागू कर दिया कि रेलवे स्टेशन पर और रेल में यात्रा करने दौरान अब आपके लिए वापस मास्क लगाना जरूरी है, इस बातों का भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और रेलवे की तरफ से अंतिम ऑफर अपडेट भी बता दूं आपको, रेल टिकट बुकिंग पर 10% तक का कैशबैक भी पा सकते हैं। दरअसल IRCTC और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर एक IRCTC BOB रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, ठीक है ना। उस क्रेडिट कार्ड के जरिए अगर आप 15 जुलाई 2022 से लेकर 15 सितंबर 2022 तक कोई भी रेलवे का टिकट बुक करते हो, चाहे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, सीसी या ईसी, इन सभी टिकट बुकिंग पर आपको 40 रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। उन रिवार्ड पॉइंट का रेट ऑलमोस्ट 10% आपको कैशबैक या डिस्काउंट के रूप में मिल जाएगा फायदा। इस कार्ड से अगर आप ग्रोसरी या डिपार्टमेंटल स्टोर से भी शॉपिंग करते हैं तो आपको प्रति 100 रुपए के खर्च पर 4 रिवार्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। दूसरे कैटेगरी में प्रति 100 रुपए के खर्च पर 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये अलग अलग बेनिफिट्स हैं IRCTC प्लस BOB फाइनेंशियल की ओर से, बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से एक साझेदारी में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, उस पर आप ये फायदा ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी किसी भी BOB ब्रांच में जाकर के आप ये क्रेडिट कार्ड इश्यू करवा सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा एक और रूल्स में इंडियन रेलवे ने हाल ही में बदलाव किया कि अब आपके कंफर्म टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति भी ट्रेवल कर सकेगा। इंडियन रेलवे की तरफ से इस तरह की सुविधा भी शुरू कर दी है। कंफर्म टिकट आपके नाम पर है लेकिन अगर आप N10 पर पैसेंजर बदलना चाहते हैं, पैसेंजर का नाम बदलना चाहते हैं, तो वो भी आपकी जगह पर ट्रेवल कर सकता है। आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य है आपके टिकट की जगह पर, अगर आपके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी कोई भी यात्रा करना चाहता है तो उनके नाम पर आप उस टिकट को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको ट्रेन छूटने से पहले एक रिक्वेस्ट देनी होती है। आप रेलवे स्टेशन पर ही टिकट काउंटर पर ये रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इस माध्यम से टिकट पर यात्री का नाम काट कर उस सदस्य का नाम डाल दिया जाता है जिसके नाम पर टिकट को आपको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले आपको ये रिक्वेस्ट देनी पड़ती है। चाहे आपने ऑनलाइन टिकट बुक किया हो तो भी आप इस फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे। अच्छा, एक और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों कि भारतीय रेलवे का नया नियम, अब बिना रिजर्वेशन के भी आप यात्रा कर सकते हैं, बस आपको एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी। दरअसल ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के भी यात्रा कर पाएंगे। रेलवे ने खास सुविधा शुरू की है जिसके तहत यात्री अपनी ट्रेन जर्नी शुरू कर सकते हैं विदाउट रिजर्वेशन भी। इसके लिए अब यात्री को प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी ट्रेन में अपनी यात्रा की शुरुआत करने की इजाजत होगी। उसके बाद जैसे ही टिकट चेकर TTE आपके पास आएगा आपको जाकर टिकट बनवानी होगी, लेकिन पहले आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही रेलवे में टिकट चेकर करने वाला आता है आपको तुरंत उनके पास जाना है और आपकी टिकट बनवा लेनी है। ओके, तो ये तो रहे दोस्तों इंडियन रेलवे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स और जानकारियां, ठीक है ना। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, DLS न्यूज जो कि YouTube पर एक ऐसा चैनल है जिस पर दोस्तों आपको हमेशा काम की खबरें, काम की जानकारियां मिलती रहती हैं। और जब भी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की ओर से या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से देशवासियों के लिए, राज्यवासियों के लिए जब जब भी कोई भी नए नियम, नई स्कीम, नई सुविधाएं शुरू की जाती है ना, तो तुरंत अपडेट आपको सबसे पहले यूट्यूब पर, इंटरनेट पर DLS न्यूज के माध्यम से मिल जाता है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके पास में आपको एक बेल आइकन, घंटी का बटन मिलेगा, उसको भी जरूर दबा दीजिएगा। इससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर करते रहेंगे। और बाकी ये बात तो आपको बताई होगी कि डेली DLS न्यूज के ऊपर एक टुडे ब्रेकिंग न्यूज का जो मॉर्निंग बुलेटिन वाला वीडियो आता है उसमें आपको रोजाना की ताजा खबरें और जो मतलब ऐसे अपडेट्स होते हैं दोस्तों जो स्पेशली आम आदमी के लिए जानना जरूरी होता है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल अपडेट्स, कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट्स, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ से कोई बड़े फैसले आते हैं या सरकार की ओर से कई नई योजना, कोई नई सूचना निकाली जाती है, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको डेली की डेली DLS न्यूज के ऊपर जो मॉर्निंग बुलेटिन वाला वीडियो आता ना उसमें देखने को मिल जाती है। आप एक बार चैनल पे विजिट कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा, डेली डेट वाइज नया वीडियो पब्लिक होता है। तो ये कुछ बातें हैं बाकी इंडियन रेलवे से संबंधित, तो उम्मीद आपको ये जानकारियां जानने मिली ही होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आपने लास्ट टाइम रेलवे में सफर कब किया, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।